क्रिकेट में संन्यास लेना कोई छोटी मोटी बात को नहीं, लेकिन आजकल का खिलाड़ी संन्यास ने पता ना कितना छोटा सा काम बना दियो कि जज चाहे इज्जत ले ली और जज चाहे इज्जत टीम में वापस आ जावी। पहले का टाइम में अगर कोई खिलाड़ी संन्यास ले तो यह सोचता कि अब यो खिलाड़ी कर दे कौन खेल लग वापिस, लेकिन आजकल संन्यास ले की फिर से 1.5-2 साल बाद में वापिस खेल लग जावी तो संन्यास के नाम पर एक मजाक सो बना रखे। और हाल ही में एक उदाहरण और निकल के है, बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड की टीम से खेले हैं, और बेन स्टोक्स 18 अगस्त 2022 ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, लेकिन अब 2023 को ओडीआई वर्ल्ड कप देख की अपना संन्यास ने वापस ले लियो और टीम में वापसी कर ली। यह बात बेन स्टोक्स के लिए कुनी है, यहाँ का बहुत सा खिलाड़ी जकार संन्यास के बाद में वापसी करी है। कुछ खिलाड़ी तो यहाँ का भी जकार 2-3 बार संन्यास ले लियो और बाद में बेशर्मी की तरह खेल ली। तो चलो वीडियो में आज बात करते हैं के बारे में कि कौन सा खिलाड़ी जकार संन्यास के बाद में वापसी करी है। तो वीडियो पूरा जरूर देखियो और मैंने सपोर्ट करने के लिए वीडियो लाइक भी करियो और चैनल भी सब्सक्राइब करके रखियो। सबसे पहला बात करते हैं पाकिस्तान की टीम के बारे में। पाकिस्तान की टीम आपका क्रिकेट करियर में सिर्फ एक बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीते है, और वो ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हो 1982 में, और यो ओडीआई वर्ल्ड कप जब जीते हो तो ये ओडीआई वर्ल्ड कप में इमरान खान टीम की कप्तानी करी। लेकिन इमरान खान वर्ल्ड कप से पहले टीम से संन्यास ले लियो, इमरान खान 1987 में टीम से संन्यास ले लियो, लेकिन फिर 1992 का वर्ल्ड कप से पहले टीम में वापसी करी और टीम ने वर्ल्ड कप जितायो। इमरान खान के बाद में अगर पाकिस्तान की ओर से बात करा तो शाहिद अफरीदी भी आए वो खिलाड़ी है जो 2 बार संन्यास लेकर 2 बार वापसी कर ली। शाहिद अफरीदी 2006 में संन्यास लियो और फिर 2011 का वर्ल्ड कप से पहले 2010 में वापसी करी, और 2011 का वर्ल्ड कप खेल की फिर संन्यास लियो, और 2015 का वर्ल्ड कप में फिर वापसी करी, और अंत में 2018 में शाहिद अफरीदी संन्यास ले लियो। लेकिन अब भी शाहिद अफरीदी बेशर्मी की तरह कुछ देशों में लीग खेल रहे हैं। शाहिद अफरीदी के बाद में बांग्लादेश को तमीम इकबाल भी संन्यास लियो, लेकिन फिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के कहना पर कुछ घंटा बाद में ही संन्यास वापसी ले लियो। और अगर ज्यादा बात करा तो वेस्ट इंडीज को ड्रेन ब्राउन सब जानो ही हूं। ब्राउ 2018 में क्रिकेट से संन्यास ले लियो, लेकिन बाद में 2020 में वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जाहिर करी, और बाद में ड्रेन ब्राउ 2021 को वर्ल्ड कप खेलो भी। 2021 में T20 वर्ल्ड कप हुए हो जिनमें ड्रेन ब्राउ भाग लियो। इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स के अलावा मोइन अली भी 2021 में संन्यास की घोषणा करी टेस्ट क्रिकेट से, लेकिन फिर एशिया सीरीज खेलने के लिए मोइन अली टीम में वापसी कर ली। इंग्लैंड के अलावा अगर भारत की ओर से बात करा तो भारत की ओर से भी कुछ खिलाड़ी ही हैं का जो कि संन्यास के बाद में वापसी करी है। इनमें एक नाम आवा है मनोज तिवारी को जो कि वर्तमान में सांसद है, और मनोज तिवारी के अलावा अंबाती रायडू भी 2018 में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लियो, लेकिन बाद में यू खिलाड़ी भी आईपीएल जैक लीग में हिस्सा ले लागो। तो क्रिकेट में एक बार संन्यास लेने के बाद में वापसी करना बहुत ही गलत बात है। अगर खिलाड़ी ने वापसी करनी है तो संन्यास लेने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। एमएस धोनी ने 15 अगस्त ने 3 सालों जैसे संन्यास लिया, लेकिन अभी तक एमएस धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी अभी तक वापसी क्यों नहीं करी। तो यही एक बड़े खिलाड़ी की निशानी है कि जो अपनी बात पर रह जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो चोखा लगे हो तो वीडियो लाइक करियो और चैनल भी सब्सक्राइब करके जाओ।